श्रीलंका के हालात समझने हैं तो ये जान लीजिए कि भीड़ वहाँ सत्ताधारी नेताओं के घरों पर हमला कर रही है। अभी तक 50 से ज़्यादा नेताओं के घरों को आग लगाई जा चुकी है और तो और सत्तारूढ़ राजपक्षे परिवार के भी एक घर को जला दिया गया है। देश में इमरजेंसी लगी हुई है, पीएम इस्तीफा दे चुके हैं, सत्ताधारी नेता जान बचाने के लिए छुपे हुए हैं और सेना को आदेश दे दिया गया है कि वो कानून तोड़ने वालों को देखते ही गोली मार दें। लेकिन इस सब के पीछे की वजह क्या है? वजह है खराब आर्थिक हालात। लेकिन श्रीलंका ऐसी स्थिति में पहुंचा कैसे और अब उसके पास इस संकट से निकलने का क्या कोई रास्ता है? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं वरुण कुमार, आप देख रहे हैं मनी नाइन। आज बात श्रीलंका की, जिसकी आबादी है महज 2,20,00,000। आज से करीब 74 साल पहले यानी 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका अंग्रेजी हुकूमत से आज़ाद हुआ था। श्रीलंका के पास बेपनाह खूबसूरत वादियां हैं, समंदर किनारे के दिलकश नज़ारे हैं और बेहद उपजाऊ ज़मीन है, यानी यहां पर्यटक भी खूब आते हैं और खेती भी भरपूर होती है। लेकिन अब शायद हमें ऐसा बोलना चाहिए कि यहाँ पर्यटक भी खूब आते थे और खेती भी भरपूर होती थी। अगर ये वाक्य भूतकाल में चला गया है तो वजह इसके कुछ आंकड़े हैं जो यही गवाही देते हैं। कुछ साल पहले तक सब कुछ ठीक ही चल रहा था, दुनिया भर के पर्यटक श्रीलंका पहुंच रहे थे, यानी दुनिया भर से विदेशी मुद्रा आ रही थी। आंकड़े कहते हैं कि श्रीलंका के विदेशी मुद्रा भंडार में 15% हिस्सेदारी टूरिज्म सेक्टर की रही है। देश के करीब 5,00,000 लोग इस सेक्टर से जुड़े हैं। पिछले करीब 2-3 सालों से टूरिज्म सेक्टर का हाल खराब है। साल 2019 में श्रीलंका में आतंकी हमले हुए। इन हमलों ने पर्यटन उद्योग की मानो कमर ही तोड़ दी। रही सही कसर पूरी कर दी कोरोना महामारी ने। लेकिन इससे पहले 2018 में करीब 23,00,000 पर्यटक श्रीलंका पहुंचे थे। इनमें से करीब 4.25 लाख पर्यटक भारत से थे। रिपोर्ट बताती हैं कि इन भारतीय पर्यटकों से श्रीलंका ने 76 करोड़ से ज़्यादा अमेरिकी डॉलर कमाए थे। अब बात कर लेते हैं खेती की। श्रीलंका की जीडीपी में खेती की हिस्सेदारी करीब 7% है। लाखों की तादाद में लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से खेती से जुड़े हुए हैं। चावल, नारियल, केला जैसी फसलें यहाँ उगाई जाती हैं, लेकिन यहाँ की सरकार के एक फैसले ने हजारों लाखों किसानों की आंखों से हर सपना छीन लिया और बदले में दे दिया सालों तक चलने वाला दर्द। दरअसल सरकार ने फैसला किया कि देश में केवल ऑर्गेनिक खेती ही की जाएगी, यूरिया इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन इस फैसले से हुआ ये कि पैदावार आधी से भी कम रह गई। निर्यात तो छोड़िए, घरेलू आवश्यकताएँ भी पूरी नहीं हो पा रही। विरोध के बाद अब खाद वाला फैसला सरकार ने वापस तो ले लिया, लेकिन इस फैसले ने देश का जो हाल किया है उससे उबरने में श्रीलंका को काफ़ी वक्त लगेगा। 2019 में श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने चुनाव प्रचार के दौरान टैक्स की दरें कम करने का वादा किया था। सरकार बनने पर ऐसा किया भी, लेकिन इसके कारण सरकार को राजकोषीय घाटे का सामना करना पड़ा। यही नहीं, श्रीलंका की सरकार ने विदेशों से आने वाले पाम ऑयल का आयात भी रोक दिया। सरकार को लगा कि इससे खर्चा रोकने में मदद मिलेगी, लेकिन ऐसा होते ही खाद्य तेल की कीमतें आसमान छूने लगीं। फरवरी 2022 में महंगाई दर 18% पर थी, जो अप्रैल आते आते 21% पर पहुंच गई। यहां आपको बता दें कि श्रीलंका अपनी ज़रूरत का अधिकतर सामान आयात करता है और फिलहाल आलम यह है कि देश में अधिकतर चीज़ों के दाम 2 गुने या इससे भी ज़्यादा हो चुके हैं। आंकड़े कहते हैं कि श्रीलंका भारत से 3,000 मिलियन अमेरिकी डॉलर का आयात करता है, वहीं चीन से 4,000 मिलियन अमेरिकी डॉलर का। इसके बाद यूएई और जापान आदि देशों का नंबर आता है, जहां से बड़ी संख्या में श्रीलंका अपनी ज़रूरतों का सामान मंगाता है। अब तथ्य ये है कि जब कोई देश विदेशों से सामान खरीदता है तो डॉलर में पेमेंट करता है, और आज की तारीख में 1 अमेरिकी डॉलर की कीमत 360 श्रीलंकाई रुपये है। श्रीलंका के विदेशी मुद्रा भंडार में जब तक डॉलर थे तब तक उसने खरीदारी की, लेकिन अब ये भंडार खाली है और विदेशों से आयात करीब करीब रुक चुका है। यहाँ मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि एक वक्त श्रीलंका के विदेशी मुद्रा भंडार में 5 अरब डॉलर हुआ करते थे, और बात बहुत पुरानी नहीं, 2018 में ही श्रीलंका के विदेशी मुद्रा भंडार में 6.9 बिलियन डॉलर थे। फिलहाल श्रीलंका कर्ज के बोझ में पूरी तरह से दबा हुआ है।
एशियन डेवलपमेंट बैंक, चीन, जापान, वर्ल्ड बैंक के अलावा लंका ने भारत से भी कर्ज लिया हुआ है। श्रीलंका पर चीन का भारी भरकम कर्ज है, जिसके कारण श्रीलंका को चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना का भी हिस्सा बनना पड़ा है। लेकिन श्रीलंका केवल चीनी कर्ज के कारण ही बर्बाद नहीं हुआ, रूस यूक्रेन की जंग भी इसका बड़ा कारण रही है। यूरोप के पर्यटक इस जंग के कारण इस साल श्रीलंका नहीं पहुंचे, इससे भी श्रीलंका को नुकसान हुआ। यही नहीं, युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गईं, जिससे श्रीलंका में महंगाई बढ़ गई। चलते चलते ये भी आपको बता दें कि भारत ने इस साल श्रीलंका को 3.5 अरब डॉलर से अधिक की मदद की है, लेकिन ये मदद श्रीलंका को संकट से निकालने के लिए काफ़ी नहीं है। अब ऐसे में श्रीलंका को दुनिया का सहारा है, वर्ल्ड बैंक का सहारा है, और सहारा है और दूसरे देशों का, भारत जैसे पड़ोसियों का। आगे क्या होगा ये कहना अभी कठिन है, लेकिन कुल जमा बात यह है कि श्रीलंका अब बेहाली, बर्बादी और बेबसी के उस मोड़ पर है जहां से वापस लौटने में उसे लंबा वक्त लगेगा, और वो भी तब जब उसके सिपहसालार अपना पूरा जोर श्रीलंका के डूबते जहाज को बचाने में लगा दें। आगे क्या होगा अभी कहना कठिन है, लेकिन कुल जमा बात यह है कि श्रीलंका अब बेहाली, बर्बादी और बेबसी के उस मोड़ पर है जहां से वापस लौटने में उसे लंबा वक्त लगेगा, और वो भी तब जब उसके सिपहसालार अपना पूरा जोर श्रीलंका के डूबते जहाज को बचाने में लगाते हैं। और आखिर में श्रीलंका को लेकर मनी नाइन के संपादक अंशुमान तिवारी क्या कहते हैं, वो भी देख लीजिए। आर्थिक कारणों से और बहुत सारे पैमानों के आधार पर श्रीलंका और भारत की परिस्थिति में कोई सीधी तुलना नहीं की जा सकती। श्रीलंका की समस्याएं विदेशी कर्ज से केंद्रित हैं, छोटी इकोनॉमी, छोटी अर्थव्यवस्थाएं विदेशी कर्ज पर निर्भर रहती हैं। श्रीलंका की इकोनॉमी का बेस बहुत छोटा है, दो चार इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं एक्सपोर्ट के लिए, टी और उसके अलावा टूरिज्म के लिए। तो जब अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं में बड़े तूफान आते हैं तो छोटे देश बुरी तरह फंसते हैं। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था का बुनियादी ढांचा या जो उनका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो हमेशा से जोखिम में भरा हुआ रहा है, क्योंकि छोटी अर्थव्यवस्था है। दूसरी समस्या श्रीलंका के साथ विदेशी कर्ज को लेकर है, जिसमें चीन का भी विदेशी कर्ज था और बाहर के देशों का भी विदेशी कर्ज था। उस तुलना में भारत की अर्थव्यवस्था विदेशी कर्ज में की दृष्टि से सुरक्षित है, हमारे पास कोई बड़ा एक्सपोजर नहीं। हमारी समस्याएं दूसरी जिस पर हमने चर्चा की, हमारी समस्या है कि हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार गिर रहा है, हमारी समस्या ये कि हमारे यहाँ आंतरिक घाटा ज़्यादा है, हमारे यहाँ समस्या ये है कि यदि हम समय से सुधार नहीं करेंगे और विदेशी मुद्रा की सप्लाई नहीं बढ़ेगी तो रुपये पर दबाव बढ़ता चला जाएगा। तो ये तुलना किसी एक देश की तुलना दूसरे देश से नहीं की जा सकती, खासतौर से श्रीलंका और भारत की तुलना नहीं की जा सकती। एक पहलू ये हुआ। दूसरा पहलू ये कि श्रीलंका की नई सरकार, जिसकी तरफ उदय कोटक ने अपने ट्वीट में इशारा किया, पिछली सरकार जिसके राष्ट्रपति को पद छोड़ना पड़ा, हाँ उनके कई फैसले गलत साबित हुए और सरकारों के गलत फैसले अर्थव्यवस्थाओं को गहरे संकट में फंसाते हैं। ये बात हमने पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में देखी, सिर्फ श्रीलंका की बात नहीं। ग्रीस की सरकार के फैसलों को देख लीजिए, अर्जेंटीना की सरकार के फैसलों को देख लीजिए, और दुनिया के कई सारे देशों के सरकारों के गलत फैसले, वो फैसले लोकलुभावन हो जाना, वास्तविकता से अलग नीतियां बना देना और बहुत सारे राजनीतिक दबावों के जरिए चीज़ों को, वास्तविक समस्याओं से चीज़ों को अलग ले जाना, वो गलती श्रीलंका में हुई है। श्रीलंका में इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट था, ऊपर से क्राइसिस आ गई, कोविड की क्राइसिस आ गई, ब्याज दरें बढ़ने की समस्या आ गई, और वो दोनों मिलकर श्रीलंका को इस स्थिति पर ले आए। श्रीलंका गहरी मुश्किल में, श्रीलंका में जब तक सरकार नहीं होगी तब तक कोई समाधान नहीं होगा, क्योंकि किसी भी अगले समाधान के लिए, चाहे आपको वर्ल्ड बैंक से फिनांस लेना हो, चाहे आपको IMF से बेलआउट लेना हो, सरकार तो चाहिए ना जो जाकर नेगोशिएट करेगी, बात करेगी। तो क्या है कि श्रीलंका में क्योस है, अराजकता की स्थिति है। उस अराजकता की स्थिति में पहले वहां कोई लीडरशिप आएगी जो बाद में जाकर इन चीज़ों के लिए बात करेगी। IMF से बेलआउट की बातचीत चल रही थी पिछली सरकार के दौर में, कुछ दुनिया के और देशों ने भी क्रेडिट लाइन देने की बात कही थी, भारत ने भी सिफारिश की थी कि श्रीलंका की प्रोफाइलिंग ठीक की जाए अंतर्राष्ट्रीय कर्ज के हिसाब से, लेकिन ये सब तब संभव होगा जब वहां शांति होगी और नई सरकार आकर ये काम शुरू करेगी।